फरार आरोपी की गिरफ्तारी में एसडीओपी दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन में मिली सफलता। अपराधों पर नकेल कसने एसडीओपी मिश्रा की लगातार कार्रवाई जारी। घर घुसकर तोड़फोड़ कर महिला की इज्जत पर हाथ डालने वाले दो फरार आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। घरघोड़ा थाना अंतर्गत 22 अप्रैल को पीड़िता की रिपोर्ट पर रात 10 बजे आरोपियों के द्वारा पति की रंजिश को लेकर घर के बाहर गंदी गंदी गालियां देते हुए डंडा चाकू से लैस घर में घुसकर तोड़फोड़ पति के साथ मारपीट कर रहे थे और पति जने जान बचाकर भाग गया। पीड़िता के बच्चे को लूटकर बिस्तर में रख दिया। उसके बाद आरोपियों के द्वारा मारपीट कर पीड़िता के ब्लाउज को फाड़ दिया, जिससे पीड़िता के अंतवस्त्र दिखने लगा। महिला संबंधित व अन्य अपराधों पर लगाम लगाने को लेकर हमेशा तत्पर धर्मजगढ़ क्षेत्र के तेजतर्रार एसडीओपी दीपक मिश्रा द्वारा आरोपियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता की रिपोर्ट पर एसडीओपी के मार्गदर्शन में आज घटना में शामिल दो आरोपी अफजल खान पिता खिजर अली उम्र 24 वर्ष वार्ड 9 नवापारा, सोहेल खान पिता रफीक खान थाना के पीछे वार्ड 13 घर घोड़ा को 147, 148, 294, 458, 506, 323, 354 का 427 के तहत गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। अप्रैल 21 और 22 के दरमियान दो तीन FIR हुई थी, जिसमें मारपीट की घटनाओं से रिलेटेड मामले थे, जिसमें 22 अप्रैल को शाम को एक बलवे का मामला सामने आया था, जिसमें दो गुट आपस में आपसी मनमुटाव को लेकर भिड़ गए थे, जिसमें उस समय तत्कालिक 307 कायमी की गई थी। बाद में उसी मामले में दोनों पक्षों पर जो अपराध दर्ज किए गए थे, उसमें एक पक्ष में महिला द्वारा, उनके परिवार की महिला द्वारा आरोप लगाया गया कि जो दूसरा पक्ष है उनके द्वारा बलवा मारपीट करते हुए छेड़खानी वगैरह की गई घर में घुसकर, जिसमें बाद में इसमें जांच के बाद में इसमें FIR दर्ज कर ली गई और जिस उसमें सभी आरोपियों की पतासाजी हमारे द्वारा शुरू कर दी गई थी। इसी क्रम में पतासाजी के क्रम में दो युवक जो इसमें पकड़ाए हैं घरघोड़ा क्षेत्र के, एक सोहेल खान उम्र 25 वर्ष और दूसरा अफजल अली उम्र 24 वर्ष, ये दोनों घरघोड़ा के निवासी हैं। इनको लगातार पतासाजी करते हुए घरघोड़ा के पास के क्षेत्र से, बाईपास के आसपास के क्षेत्र से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके द्वारा जो प्रयुक्त डंडा और रॉड वगैरह था वो भी जब्त कर लिया गया है। मामले में अन्य आरोपियों की पतासाजी अभी वर्तमान में जारी है।